Yo, people, good morning. What's up, everybody? I hope you all are doing amazing. So, आज हम जा रहे हैं बीटल्स आश्रम. हाँ जी, बीटल्स आश्रम जो वही जगह है जहाँ बीटल्स आए थे. मैं सिर्फ होटल से चेकआउट कर चुका हूँ. फाइनली ये भी दिखाऊंगा आपको कि ऋषिकेश में सबसे अच्छी कॉफ़ी कहाँ मिलती है. सो बीटल्स आश्रम चलते हैं और दिखाते हैं क्यों वो इतना स्पेशल है और एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट है. ये कैफ़े उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है या उनके लिए काफ़ी सही रहेगा जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए. एंड इफ़ यू लुक फॉर अ गुड कॉफ़ी तो मिलती नहीं है ऋषिकेश में. आप जाओगे तो आपको वही दूध के अंदर पाउडर वाली कॉफ़ी मिल जाएगी. सो मैनी पीपल डोंट लाइक दैट. तो यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट टू द लक्ष्मण झूला इज दिस कैफे जर्मन बेकरी और सुपर अमेजिंग कॉफ़ी मिलती है वहाँ, मशीन वाली कैपेचिनो और एक्सप्रेसो और एनी थिंग भाई. यो गाइस, कॉफ़ी पी लिया गर्मा गर्म, बहुत मज़ा आया एंड इट वाज एज गुड एज एक्सपेक्टेड. मैंने ऑर्डर किया है अपना फेवरेट स्पिनच मशरूम लज़ाना जो मैं कल ऑर्डर करने वाला था, पर लाइट नहीं थी इस वजह से ऑर्डर कर नहीं पाया था. सो फाइनली यहीं पे ऑर्डर कर दिया स्पिनच मशरूम एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट. खाते हैं फिर चलते हैं बीटल्स आश्रम एंड लेट्स कंटिन्यू विद द डे. सो गाइस, लज़ाना इज हियर एंड इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट from what I expected. So let's try. वही बात है, मेन्यू सबका एक सा है बट वे ऑफ प्रेजेंटेशन एंड वे ऑफ सर्विंग इज वेरी डिफरेंट. Let's see a little bit of gravy out here. It's finally I'm leaving back. खाना खा लिया, फिर पूजा हो गई है. The lasagna was good, it was fine, decent tha. I was expecting better, but Ganga Beach Cafe jiska maine aapko kal dikhaya tha uska better hai any day. Matlab saucy nahi hai itna, taste iska bhi acha tha but hum logo ne lasagne aise khaya nahi hai isme sauce ho ya gravy ho. And I even asked the guy ki how are these guys serving such kind of a मज़ा नहीं है, तो उसने बोला ये स्पिनच मशरूम का सॉस है जो साथ में देते हैं. तो एन ऑनेस्ट रिव्यू वुड बी कि वो सही था, डिसेंट था. इफ़ यू लाइक इट वाज मोर लाइक अ पास्ता, लाइक सॉसी पास्ता विथ लज़ानिया बीइंग द पास्ता शीट्स, जो लज़ानिया शीट्स होती हैं. तो अगर कुछ सॉस सॉसी पास्ता टाइप्स खाना है तो इट वॉज गुड, द टेस्ट वॉज फाइन. बट अगर आपको लज़ानिया खाना ही है तो आई गेस गंगा बीच उनके लज़ानियाज आर बेटर एंड दे आर मोर लाइक लज़ानियाज. सो बाकी जर्मन बेकरी इज दी प्लेस टू हैव द रियल कॉफ़ी. सो गोइंग बैक टू वर्ड्स द कार और फिर बीटल्स आश्रम. It is. Guys, this is the right turn, which is for Paramarth Niketan. So, guys, ये रास्ता राजा जी फॉरेस्ट की तरफ भी जाता है और वहीं से शुरू होता है बीटल्स आश्रम. This is the actual way for Beatles Ashram. यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है, lot of people get confused. You have to look for this wooden Rajaji Tiger Reserve board and you have to go here. ये कच्चा रास्ता आता है right after this board
एंड यू हैव टू गो हेयर एंड सीधा जाके यू विल फाइंड द एंट्री फॉर द बीटल्स आश्रम. Okay, so these are the domes or places where these guys used to meditate, and we'll try to have a look from the inside. ये पूरा अबैंडन्ड स्पॉट है जहाँ बीटल्स आए थे. सो बेसिकली महर्षि महेश योगी जी का मेडिटेशन सेंटर था, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए खोला था ये. और 1968 में द बीटल्स बैंड के फेमस आर्टिस्ट लाइक पॉल मकार्टनी, जॉन लेनन एंड जॉर्ज हैरिसन आए थे इंडिया में. एग्जैक्टली ऑन दी सिक्सटीन फेबररी 1968 में दे अराइव्ड इन दिल्ली एंड फ्रॉम देयर दे टुक अ टैक्सी टू ऋषिकेश बीटल्स आश्रम. उनका बोला जाता है कि सबसे क्रिएटिव पीरियड था उनके म्यूजिकल जर्नी का, जहाँ पे उन्होंने अपनी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एल्बम्स जिसका नाम है द वाइट एल्बम क्रिएट करा था. म्यूजिक 1968 में ही हुआ था. Guys, as I told you, the Beatles arrived in India, in Delhi, on 16 Feb 1968. And after 2 months of meditation and soul finding period, soul searching period, वो अप्रैल में they left. सबसे पहले Paul McCartney left. In March, and then following him, John Lennon and George Harrison, they left India in April. And during this period is when they had the one of the most productive times in terms of their music making, which is what's said. As I told you, ye Maharishi योगी जी का आश्रम था फॉर मेडिटेशन एंड दीज गाइज लेफ्ट द आश्रम
जब महर्षि योगी पे कुछ ब्लेम आया दैट ही मिसबिहेव्ड विद सम फेलो विद सम फीमेल स्टूडेंट्स एंड आफ्टर दीज र्यूमर्स दे लेफ्ट द आश्रम. डेढ़ घंटा हो गया मुझे घूमे हुए एंड दिस प्लेस जस्ट डजंट सीम टू एंड यार एंड इट डजंट इवन स्टॉप टू अमेज मी बिकॉज दिस सो ब्यूटिफुल. आई मीन इफ यू गॉट कंपनी एंड इवन इफ यू नॉट इफ यू आर अ पर्सन हु लव्स टू स्पेंड टाइम ऑल बाय योरसेल्फ आप अकेले टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है आपको जस्ट डूइंग सम सेल्फ थिंकिंग और स्टफ लाइक दैट. I mean, there's no better place than this. So with this, guys, our trip to Beatles Ashram has ended. Sab khatam ho chuka hai. Sab explore, sab discover, sab record kar liya maine. And I hope I was able to document it well. Aap logo ko acha laga. Mere saath aapne bhi Beatles Ashram ghuma hai. Now it's time for me to leave, and I'll catch up with you guys on the way.